नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद के लोनी डीएलएफ अंकुर बिहार बिजली घर पर जय मनोज कुमार का जलवा कायम है। डीएलएफ बिजली घर पर संविदा कर्मियों के साथ मिलकर मचा रहे तांडव। बता दें कि डीएलएफ अंकुर बिहार का बिजली घर शाम होते ही जुए के अड्डे में बदल जाता है और सजने लगती है महफिल। ये लोग जय के संरक्षण में लोगों पर पहले 50,000 से लाखों रुपए के बिल तैयार करते हैं और बाद में मीटर में कम रीडिंग दिखाकर विद्युत विभाग को चूना लगाने के साथ साथ जनता के भी खून पसीने की कमाई पर डाका डालते हैं और बदले में मोटी रकम न देने पर करा दी जाती है झूठी FIR और फिर शुरू होता है उसी बिजली घर पर जुए का खेल। सोचने की बात यह है कि विद्युत विभाग के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रशासन कोई कार्यवाही क्यों नहीं करता। जब इस विषय में डीएलएफ से जेई से बात की गई तो उन्होंने इन जुआरियों को दलाल नाम देकर बात को रफा दफा कर दिया। सुधाकर चौहान की रिपोर्ट। आपका विजेश जी, यहाँ पर आप आए हैं, क्या समस्या है आपकी? प्रॉब्लम यही है कि बिल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और जो भी क्या कहते हैं बिल में प्रॉब्लम ये है कि जैसे सिंगल बल्ब जलता है, आप एक मोटर चलाते हो तो एक मिनिमम होना चाहिए कि आपको इतना मिलेगा, लेकिन होता है कि 3500-4000 रुपये का बिल आ रहा है। सो प्रॉब्लम है हमारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब बजट हिल जाता है पूरा इन चीज़ों को। इसकी आपने शिकायत नहीं की क्या इन लोगों से? मैं आया उन्हीं चीज़ के लिए चेक करने की क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मीटर गलत चल रहा हो क्या है, उन सब चीज़ों की। 4000 रुपये एक महीने के बिल? हाँ, 3500-4000 ऑन एवरेज देखा जाए तो इतना आता है। मनीष जी, यहाँ पर आप आए हैं, क्या समस्या है आपकी? एक्चुअली क्या है, हमारा बिल जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने से लगातार हर महीने बिल आ रहा था, उसके हिसाब से जमा कर रहे थे और जून तक बिल जमा किया है, जुलाई में बिल एकदम से आया फिर 23,000 जी। तो फिर आगे इनसे बात की, अभी हर महीने जमा हो रहा है तो ये मतलब क्या है, मतलब पुराना बिल मैंने हर महीने जब जमा ही हो रहा है तो पुराना कहाँ से आ गया कि जी हमारे उनकी, फिर यहाँ पर यहाँ कार्रवाई कराई, फिर यहाँ से इन्होंने लालबाग भेजा। तो इन्होंने 23,000 जो बिल है कितने महीने का बनाया है आपका? अब कितने महीने हो गए आपको ना भरे हुए? नहीं, हमने तो जून तक बराबर बिल जमा किया है, ये जो जुलाई में बिल आया था बढ़ के, मतलब 3 महीने में 23,000 का बिल उन्होंने आपके हाथ में थमा दिया। हाँ, मतलब वो भी 3 महीने के, वो तो जुलाई का ही हो गया ना, जून तक तो हमने जमा ही किया है। 2 महीने का बिल 23,000 रुपये दे दिए। हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ जाओ वहाँ जाओ भाग दौड़ी हो रही है, और कोई सोल्यूशन नहीं इसका निकला अभी तक? नहीं, हम तो चीफ ऑफिस भी गए थे गाजियाबाद, वहाँ से भी चलो ठीक है व्हाट्सअप कर दिया, लेकिन बिल भरना पड़ेगा फिर क्या। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें डीडी टुडे।